नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक अदद सीट का सवाल। शायद 2014 में चुनावी लहर को एक ठौर चाहिए और वो ठौर किसे किस रूप में मिलेगा, हर किसी को इसी का इंतजार है। आम आदमी पार्टी में भी लोग रुठ रहे हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ पर कद्दावर रुठ रहे हैं। कांग्रेस अपने तरह की नई परंपरा गढ़ने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं, लेकिन नियम कायदे बदलने पड़ रहे हैं। बात सबकी होगी, आइए जरा इस ठौर को समझें और इस ठौर के मद्देनजर लहर लहर किस टकर, लेकिन राजनीति किस मिजाज में आ गई है। बनारस की सीट पर लड़ेगा कौन, ये दूर की गोटी। बनारस पहुंचे मुरली मनोहर जोशी तो छन्नू लाल जी के निर्गुण में रम गए। आज शुरुआत उसी से। दर्शन का है मेला दुनिया, दर्शन का है मेला। विज्ञान का छात्र हूं और राजनीति में फंसा हुआ हूं। अपनी करनी पार उतरनी, गुरु होए चाहे चेला दुनिया। जिस तरह की हवा चल रही है मुझे पता नहीं आप तक आती है या नहीं आती है, पर बाबा भोलेनाथ के पास थोड़ी बहुत पहुंच जा रही है। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, इस संगीत की वायु से अत्यंत पवित्र हुई हवा में मैं आता हूँ तो कुछ मेरा भी, जिसे कहते हैं कि बैटरी चार्ज आ जाती है, दिमाग साफ हो जाता है और ये लगता है कि मैं भी मनुष्यों की संगत में। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा दुनिया, दर्शन का है मेला। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ा पुण्यवान था जिसका जन्म भारत में हुआ और प्रयाग और काशी में रहने को मिला। मैं सोचता हूँ कोई पाप भी किया होगा जो संसद में रहता दुनिया दर्शन का है। अजब गजब रंग है संसद के भीतर। अगर ये गीत बजे कि दुनिया दर्शन का है मेला, तो सांसद क्या कहेंगे? क्या दागदारों की सूची आएगी? घोटालों का जिक्र होगा? दामन देखे जाएंगे कौन अपराधी है, कौन पाक साफ है? यकीनन नहीं। दुनिया तो दर्शन का मेला है, लेकिन उसमें अब लकीर लोकतंत्र के नाम पर चुनावी संसदीय राजनीति के जरिए इस दौर में हर नागरिक वोटर की दृष्टि से देखा जा रहा है। बहरहाल, सीट मिलेगी किसकी, दोबारा उसी पर लौटते हैं। और आइए, बनारस से कौन, कानपुर से कौन, लखनऊ से कौन, जरा रिपोर्ट देखिए, पेच फंसा कहां है। मोदी बनारस से, जोशी कानपुर से और राजनाथ लखनऊ से। तो क्या बीजेपी के तीन कद्दावर नेताओं की यही तीन सीट फाइनल हो चुकी है और ऐलान कल इसका हो जाएगा? असल में बीजेपी के भीतर कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि कल वाकई इन सीटों का ऐलान हो जाएगा या कहें इन नेताओं का। मोदी गुजरात के बाहर चुनाव लड़ेंगे कहां से, इस पर लेकर एक अजीबो गरीब खामोशी पूरी पार्टी के भीतर है। इसीलिए यूपी की इन तीन सीटों से ज्यादा उलझन तीन नेताओं की अपनी अपनी सियासत में उलझ गई है। मुरली मनोहर जोशी का मानना है कि मोदी को खुले तौर पर बनारस से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए और जैसे ही मोदी इच्छा व्यक्त करेंगे वैसे ही वो, यानी मुरली मनोहर जोशी, बनारस सीट छोड़ देंगे। वहीं नरेंद्र मोदी का मानना है कि बनारस सीट के लिए मुरली मनोहर जोशी को खुले तौर पर निमंत्रण देना चाहिए और जैसे ही जोशी साहब निमंत्रण देंगे वैसे ही बनारस की सीट से लड़ने का ऐलान नरेंद्र मोदी कर देंगे। वहीं दोनों के बीच राजनाथ सिंह का मानना है कि आखिर रणनीति भी कोई चीज होती है। निमंत्रण देना या इच्छा व्यक्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बीजेपी को किस रणनीति से लाभ होगा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि मोदी का कद और बीजेपी की सत्ता में आने की आस ने हर नेता को उसके दायरे में सिमटा भी दिया है और महत्वपूर्ण भी बना दिया है। यानी मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से आग्रह नहीं किया और राजनाथ ने जबरदस्ती की तो जोशी की करवाहट भरी कोई भी चाल बीजेपी के भीतर माहौल बिगाड़ देगी और मोदी के लिए भी बिगड़ते माहौल को थामना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है, जब पेंच इस हद तक फंसा हुआ है तो होगा क्या? तो जानकारी के मुताबिक जोशी चाहते हैं कि बनारस को लेकर मोदी की चाल चली किसने, यह सबके सामने आना चाहिए और राजनाथ सिंह मन बना चुके हैं कि
कि मोदी बनारस से ही लड़े। इस हालात के लिए जोशी भी मन बना रहे हैं कि अगर जबरदस्ती हुई तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि राजनाथ अध्यक्ष हैं तो उनकी चलनी चाहिए, लेकिन यहीं पर संघ की एंट्री हो रही है और संघ के भीतर के संकेत यही है कि आरएसएस की विचारधारा को राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर कोई समझता है तो वह मुरली मनोहर जोशी है, और जोशी को पूरी तरह दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए जोशी की सहमति के बगैर बनारस सीट से जोशी को हटाकर मोदी को लड़ाने का निर्णय भी सही नहीं होगा। तो पेंच तो फंसा हुआ है, अब सवाल है इसे खोलेगा कौन। इसका इंतजार यह सोचकर करना होगा कि भैया जी जोशी और सुरेश सोनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंतजार मोहन भागवत का भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जमा गुना घाटा यही है कि कल ऐलान होगा या नहीं, इसको लेकर सांसें हर किसी की अटकी हुई। तो लहर लहर किस डगर किस ठौर, हर किसी को इंतजार तो है, लेकिन सवाल सिर्फ एक अदद सीट का नहीं, किसी के लिए तो दिल्ली में एक अदद रैली को सफल बनाने का भी है। नाम मां माटी मानुष का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी का, अन्ना हजारे का, रामलीला मैदान सजा हुआ है, बाकायदा तख्त लग चुके हैं, गांधी की तस्वीर भी है, कुर्सियां बिक चुकी हैं, तिरंगा थामे लोग भी आ गए हैं, लेकिन अब भाषण देना है। लेकिन भाषण में कुर्सी पर लोग तो चाहिए, नजारा देखिए। गुरबत में रोटी मांगे जनता, ओ इस युद्ध में सबसे आगे ममता, ओ चलो दुनिया को दिखाए ये गिरा सच है, अभी भी वक्त में गिरा रहा सच है। अन्ना जी ये प्रोग्राम अन्ना जी का करना था, हमारा आमंत्रण था, हमने खुश होके आए और खुश होके प्रोग्राम करके वापस जा रहा हूँ, लेकिन इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हो सकता है उनका तबीयत ठीक नहीं है जो उन्होंने बताया। हम तो कोशिश किया, हम लोग लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जाए, मैंने चाहती हूँ बीजेपी ना आए, हमने चाहती हूँ थर्ड फ्रंट ना आए, फेडरल फ्रंट भी हो बहुत बढ़िया है, सब स्टेट को स्ट्रांग करना है, सब स्टेट को आगे बढ़ाना है, इसको पक्ष में मैं हूँ। अभी चुनाव का टाइम है और हमने ये रैली अन्ना जी ने कहा था इधर में करेंगे, इसी के लिए हम उनको रैली में एड्रेस करने के लिए आई हुई है जी। रामलीला मैदान में एक वक्त रावण भी जलाया जाता था, भीड़ बड़ी जबरदस्त होती थी, धीरे धीरे ये शिफ्ट किया गया, ये अलग अलग मुद्दों के लिए जगह बनती चली गई, और इस दौर में अन्ना ने एक नई पहचान दी थी आंदोलन से, लेकिन क्या पता था अन्ना के नाम पर रैली और सिर्फ कुर्सियां। लेकिन इस दौर में राजनीतिक सियासत चलने वाला और कोई नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगठन आरएसएस हो चला है। हमें लगता है जरा उसके गणित हिसाब को समझिए, वो किस तरह की बिसात बीजेपी के लिए बिछा रहा है और क्यों बिछा रहा है। मुसलमान दलित ओबीसी सियासत के लिए संघ के नए सरोकार ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए हर रास्ता खोल दिया है, बल्कि बीजेपी भी गठबंधन के लिए पुरानी हर रेखा को मिटाने को तैयार है। बिहार में रामविलास पासवान के बाद अब रामकृपाल यादव भी, तो समीकरण किसका बिगड़ा। असम में असम गण परिषद टूट गई, और टूटा धड़ा इसलिए टूटा कि वह मोदी की छतरी तले आने को बेचैन था। यूपी में उदित राज और महाराष्ट्र में रामदास अठावले के साथ तमिलनाडु में वाइको ने भी बीजेपी के लिए नए समीकरण की दस्तक दे दी। लेकिन संघ का खेल महज बीजेपी के समीकरण को बांधना भर नहीं है, संघ की नजर दरअसल दो हालातों पर है। पहला, संघ के स्वयंसेवक राजनीतिक मैदान में अछूत नहीं हो, और दूसरा, सेकुलरवाद की थ्योरी नेताओं के तमगे तले ही टूटे तो बीजेपी को कोई कॉमनल कहेगा नहीं। वजह भी यही है कि पहली बार संघ के प्रचारकों से लेकर गांव दर गांव घूमने वाले स्वयंसेवक भी मुसलमानों को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे राजनीतिक तौर पर मान्यता मिले इसके लिए बीजेपी को निर्देश भी है कि वह किसी कद्दावर मुस्लिम नेता को बीजेपी तले ले आए। बीजेपी में शामिल होने वाला वह कौन सा मुस्लिम नेता होगा, इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन देवबंद में मोदी की दस्तक यूपी के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही होगी, संकेत इसके भी आने लगे हैं, यानी जातीय समीकरण पर टिके छत्रपों की राजनीति में भी टूटन आए,
और धर्म के आधार पर वोटरों को बांटने की सियासत का दाग भी बीजेपी पर ना लगे तो संघ की यह नई बिसात है। इसका एक मतलब तो साफ है कि संघ दरअसल 2014 के चुनाव को लेकर ना सिर्फ सक्रिय है बल्कि अपने तौर पर इस राजनीति को मथना चाहता है और शायद आगे बढ़ाना भी चाहता है। लेकिन फिर वही सवाल कि लहर लहर किस डगर, और ऐसे में हर राजनेता अपने तरीके की डुगडुगी बजा रहा है। एक डुगडुगी राम कृपाल ने कभी बजाई थी और आज उसे उलट के फिर बजाई। सुनिए दोनों आवाज। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी सेकुलर पार्टी है, जो देश की सेकुलर पार्टी के सबसे अलमदार नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी है, तो उनको पहल करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये सारी अटकलें खत्म हो जाएगी। गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों का स्तर बढ़ा है, विकास हुआ है, वो भी अपने आप एक उदाहरण है। मैं सेकुलर हूँ, रहूँगा और सामाजिक न्याय की जो झंडा है, गाड़ी है, उसको ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाने की बात अगर कोई करता है तो हवा में, आसमान में वो हवाई किला जो बनाने की बात होती है ना, वही और मुंगरी लाल का सपना तो कोई भी देख सकता है। कि जिसके पिताजी चाय बेचते थे, जिसकी माँ कपड़ा धोने का काम करती थी घरों में, उसका बेटा आज प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा। मुझे भरोसा है उनको प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार पेश किया है। जनता स्वीकार रही है, सबके से ऊपर उठ करके आज जनता आवाज दे रही है। हर घर में नरेंद्र मोदी जी की आवाज आ रही है। छोरो कल की बातें, कल की बातें हुई पुरानी, नए दौर में हम सब लोग मिल करके लिखेंगे नई कहानी। जी ये डुगडुगी नहीं है, ये गीत नहीं है। कल तक जो मुंगेरी लाल था, आज वो नायक बन चुका है। इसीलिए हमें लिखना पड़ा लहर लहर किस डगर। लेकिन एक ठौर की खोज तो हर कोई कर रहा है, राहुल गांधी भी, वह भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्टर बनवाया और उस पोस्टर पे जो लिखा लगा कि अब उसी अनुसार पार्टी चलेगी। लेकिन किसे पता था पहली सूची में पार्टी डगमगाई, दूसरे में कितनी लड़खड़ाएगी। इंतजार है क्योंकि कल उसकी भी स्थिति आने वाली है, वो जारी होने वाली है सूची कल। राहुल का यह पोस्टर भी कारगर है या नहीं, यह तो उम्मीदवारों की दूसरी सूची के ऐलान के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पोस्टर कहता है कि राहुल के नौ हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। और दूसरी सूची में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं, ये अब अहम सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि वरिष्ठ मंत्री चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। पुराने चेहरों को बदलने की कवायद कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। और यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि क्रिकेटर कैफ को पार्टी में शामिल होते ही टिकट मिल गया। चमक दमक में खोए अभिनेता रवि किशन को भी टिकट दे दिया गया। वंशवाद के दायरे में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को भी टिकट मिल गया। परिवारवाद तले सांसद संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को सुल्तानपुर से टिकट मिल गया। बाहुबली पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन को भी टिकट मिल गया। कुल मिलाकर राहुल के नियम कायदे पहले सूची में तो हिल ही गए। अब बारी बड़े दावों की, भ्रष्टाचार के दागियों का होगा क्या? सीडब्ल्यूजी घोटाले वाले सुरेश कलमाड़ी को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। आदर्श मामले वाले अशोक चौहान को पार्टी दागी नहीं मानती। आरोपों के चलते मंत्री पद गंवाने वाले सुबोध कांत सहाय पर भी तलवार लटक रही है। पवन बंसल को पार्टी दागी मानती नहीं, उनको चंडीगढ़ से टिकट मिल सकता है। किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इल्जाम लगाना सार्वजनिक जीवन में से उनको अयोग्य घोषित करने के लिए उचित नहीं है। यानी अपने अपने तरीके की परिभाषा कांग्रेस गढ़ रही है। और कांग्रेस की बड़ी मुश्किल यह है कि केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी सरीखे नेता अपनी सीट बदलना चाहते हैं। वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, केंद्रीय मंत्री जी के वासन और जयंती नटराजन जैसे नेता डीएमके से तालमेल नहीं हो पाने की सूरत में चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वहीं दिल्ली में करारी हार के बाद पार्टी के सिटिंग चेहरे दिल्ली में लड़ना नहीं चाहते या सीट बदलना चाहते हैं। कृष्णा तीरथ, महाबल मिश्रा, रमेश कुमार और कपिल सिब्बल की सीटों से वैकल्पिक नामों पर भी अब विचार हो रहा है। यानी कोई दूसरा नाम सामने आए तो इन्हें हटा दिया जाए। हालांकि कपिल सिब्बल बार बार दोहरा रहे हैं वो लड़ेंगे तो चांदनी चौक से ही।
सवाल इसके आगे भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह अगर लखनऊ से लड़ेंगे तो कांग्रेस सोच रही है राजबब्बर को वहां उतार दिया जाए, रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से भाग्य अजमाने के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल तीन नई जानकारी आई है, रीता बहुगुणा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी, ये सूत्र कह रहे हैं। सचिन पायलट अजमेर की सीट बदलना चाहते हैं, सवाई माधेपुर से लड़ना चाहते हैं। और पवन बंसल ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, कहा कि दरअसल अब मुझे तो टिकट दे ही दीजिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें जगदम्बिका पाल को कैसे भूला जाए, पार्टी छोड़ी कहा क्या, ये आज का सुनिए। और मैं समझता हूं कि जब इतना गंभीर आरोप किसी केंद्र के मंत्री के द्वारा संचालित ट्रस्ट पे लगाया जा रहा है तो मैं ये चाहूंगा इसकी जांच भारत सरकार के सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय ने तो जो किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग कल्याण अधिकारी के द्वारा, क्योंकि मंत्रालय में पैसा कोई भी पैसा बढ़ता है पैसा दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चेकलिस्ट की जाती है, तो राज्य सरकार ने भी इस पे क्या कार्रवाई की, जबकि इस पे सीधा क्रिमिनल केस बनता है कि कम से कम 420 की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा जिक्र सलमान खुर्शीद को लेकर किया जा रहा है। बात आगे बढ़ाते हैं, आप सोच रहे होंगे उस दौर में अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए, आम आदमी पार्टी कहाँ है, तो एक खबर आ रही है केजरीवाल को नागपुर में रैली की इजाज़त नहीं दी गई है, कल उन्हें नागपुर पहुँचना है। लेकिन आज मुंबई की उबड़ खाबड़ सड़कों के साथ साथ लोकल में देखिए जरा। इसके बाद केवल कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, सारी जनता उमड़ रही है। तो जनता के ये दिखाता है कि जनता बहुत गुस्से में है, जनता को अब आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही है। ये तो लड़ाई जनता को लड़नी है, हम तो केवल माध्यम है, ये जनता की लड़ाई है, अब जनता लड़ रही है, जनता। अरे यार, दरअसल तोड़फोड़ भी हो गई, हंगामा भी बच गया, रेलवे स्टेशन पर जहां व्यवस्था थी सुरक्षा जांच की वो गिर गया, भीड़ है, हंगामा, यूं भी मुंबई ठहरती रुकती नहीं है, दिल्ली की तरह रुक के ठहरे देखे समझे। जो जो टिकट के लिए आ रहे हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाए। ये बड़े कड़े संकेत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, संकेत बहुत साफ है, आम आदमी पार्टी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है और ये घमासान टिकटों को लेकर है, यह भी साफ तौर पर निकल के आ रहा है। हर कोई ट्वीट कर रहा है, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे अपने तरीके से शाजिया हो और चाहे जिक्र कर दिया हो अरविंद केजरीवाल ने।